नमस्कार, मैं गीतेश्वर शरण वाष्णेय, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। इस वीडियो लेक्चर में ईई 210, ईएल 310 सब्जेक्ट मैनेजमेंट के टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑनरशिप, सोल ट्रेडिंग, इस टॉपिक को जो है डिस्कस करूंगा। तो सोल ट्रेडिंग को केवल डिस्कस करेंगे और जो दूसरे जो टाइप्स हैं उनको अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ऑनरशिप क्या होती है, हिंदी में ऐसे कहते हैं स्वामित्व। इसके और भी कुछ नाम है जैसे इंडस्ट्रियल ऑनरशिप या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेस एंटरप्राइजेस। इफ़ वन इज प्लानिंग टू स्टार्ट ए बिजनेस और इज इंटरेस्टेड इन एक्सपांडिंग एन एग्जिस्टिंग वन, एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यदि कोई व्यक्ति कोई बिजनेस या उद्योग जो है व्यापार प्रारंभ करना चाहता है तो उसको पता होना चाहिए कि व्यापार और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने टाइप के हैं और कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो है उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा। तो अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमिन करने के लिए उसको सभी टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके एडवांटेजेज, मेरिट्स जो है पता होने चाहिए, डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेज और लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए। तो मेनली जो है पांच टाइप के जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडिंग, दूसरा है पार्टनरशिप, तीसरा जॉइंट स्टॉक कंपनी, चौथा कॉपरेटिव सोसाइटीज और पांचवा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जो है सोल ट्रेडिंग या सोल प्रोप्राइटरशिप या एकल स्वामित्व या एकाकी व्यापार टॉपिक को के टाइप को डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। This is a popular form of business organization and is the most suitable form for small scale industries, your small businesses. या एकाकी व्यापार, व्यापार का वह स्वरूप है जिसे एक ही व्यक्ति प्रारंभ करता है, चलाता है तथा जिसके लाभ और हानि उसके ही द्वारा सहन किए जाते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाई एन इंडिविजुअल हु इज रेसिपियंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बीयर ऑफ ऑल रिस्क। इसमें जो सोल वर्ड है उसका मतलब होता है ओनली और प्रोप्राइटर वर्ड का मतलब होता है ऑनर। तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब हो गया कि एक अकेला ही बिजनेस का जो है ऑनर है। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज पर्टिकुलरली कॉमन इन एरियाज ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज सच एज ब्यूटी पार्लर्स, हेयर सलून्स एंड स्मॉल स्केल एक्टिविटीज लाइक रनिंग रिटेल शॉप इन ए लोकेलिटी। इसके क्या क्या फीचर्स, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स, लक्षण हैं? तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर बहुत ईजी है इसका, कोई इसके लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है जो है इसको गवर्न करने वाला कोई लॉ नहीं है। तो इसलिए जो है बहुत आसान इसको शुरू करना और इसको बंद करना, ख़त्म करना भी आसान। लाइबिलिटी यानी देनदारियाँ या जिम्मेवारियाँ जो है ये इसमें जो है जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसके ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि ऑनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स इन केस द असेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल द डेट्स। यानी कि जो ऋण या कर्जे जो हैं उनकी पूरी जिम्मेवारी जो है ऑनर की होती है। यदि बिजनेस के एसेट से भी ये डेट्स या लोन या कर्जे पूरे नहीं होते हैं तो पर्सनली जो है उसको जो है उनको चुकाना पड़ता है। पर्सनली रिस्पॉन्सिबल यानी पर्सनल एसेट्स भी उसके जो है उसको जो है उनकी भी नौबत आ जाएगी। तो इसलिए जो है इसमें जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें रिस्क है या इसका ये डिसएडवांटेज है। सोल रिस्क बीयरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। इसमें जो प्रोप्राइटर है या ऑनर है या सोल ट्रेडर है वो जो है पूरी तरह से अकेला ही रिस्क उठाने वाला होगा और अकेला ही
लेने वाला होगा। कंट्रोल द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजंस लाइज एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर। ही कैन कैरी आउट हिज प्लान्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स। बिजनेस को रन करने का जो पूरा अधिकार है, सारे डिसीजन लेने का अधिकार है, वो केवल एकमात्र ऑनर या प्रोप्राइटर के पास होगा, और वह जो है कोई सी भी योजना है जो है बना सकता है, और उसमें किसी का जो है इंटरफेरेंस जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती। नो सेपरेट एंटिटी इन द आईज ऑफ द लॉ, नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस। द ऑनर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, केवल ये ऑनर और जो उसका बिजनेस, उसको एक ही चीज़ माना जाता है, यानी कि ऑनर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। सोल ट्रेडर अलग नहीं है, बिजनेस अलग नहीं है, एक ही कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। ये इसका एक फीचर है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी दस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, देयरफॉर डेथ, इनसैनिटी, इम्प्रिजनमेंट, फिजिकल एलिमेंट और बैंकरप्सी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर विल हैव ए डायरेक्ट एंड डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। ये एक बहुत बड़ा इसका लिमिटेशन है कि एक अकेले व्यक्ति पर ही पूरी तरह से जो है बिजनेस डिपेंड होता है, तो उसकी मृत्यु या उसके विक्षिप्त होने की दशा में या उसके जेल जाने की दशा में या किसी बीमारी की दशा में या बैंक से दिवालिया होने की स्थिति में जो है पूरा बिजनेस जो है वो बेकार हो जाता है, पूरा बिजनेस जो है बंद हो जाता है। तो ये जो है उस पूरी तरह से ये उसका एक लिमिटेशन है, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, स्टेबल नहीं होता बिजनेस। ये कहाँ कहाँ सूटेबल है, कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट्स, प्रोफेशनल सर्विसेज, मेडिकल सैलून, कमर्शियल शॉप्स, ग्रॉसरी शॉप्स एट्सेट्रा। जहाँ पर कम रिस्क है वहाँ पर, जहाँ पर केवल एक व्यक्ति द्वारा मैनेजमेंट संभव है वहाँ पर, जहाँ पर कम कैपिटल की ज़रूरत है वहाँ पर, जहाँ पर लोकल मार्केट उपलब्ध है वहाँ पर इस टाइप के बिजनेस, इस टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या इस टाइप की जो है ऑनरशिप जो है वो जो है सूटेबल है। मेरिट्स या एडवांटेजेस क्या हैं? क्विक डिसीजन मेकिंग, एक ही व्यक्ति को डिसीजन लेना है तो फास्ट डिसीजन होगा और प्रॉम्प्ट एक्शन होगा, किसी टाइप का इसमें कोई डिले नहीं होगा। दूसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं की गोपनीयता बनी रहेगी, पूरी तरह से सीक्रेसी बनी रहेगी, सारी चीज़ें जो हैं सीक्रेट रहेंगी। तीसरा है डायरेक्ट इंसेंटिव या हाई मोटिवेशन, इसमें जो है जो सोल प्रोप्राइटर है उसको जो है वो सारे प्रॉफिट का रेसिपिएंट वही है, सारा प्रॉफिट उसी को मिलना है, तो वो जो है एक तरह से मोटिवेटेड रहता है वर्क, हार्ड वर्क करने के लिए। तो ये इसका एक पॉजिटिव चीज़ है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, पर्सनल सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस जो है वो दोनों मिलकर के जो है प्रोप्राइटर को जो है एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट जो है वो देते हैं, उसको जो है मानसिक जो है संतुष्टि देते हैं। अगला बेनिफिट है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो इसमें बहुत ही कम है, कोई सीधी सीधे कोई ऐसे लॉ नहीं है, तो इसलिए जो है इसको खोलना आसान है, इसको बंद करना आसान है, तो इसलिए जो है ये इसका एक बेनिफिट है। एक ही व्यक्ति को सब कुछ करना है इसलिए बहुत फ्लेक्सिबल है वो, अपने हिसाब से जो है अपनी सुविधा अनुसार जो है इसको, इसके जो जो रूल्स रेगुलेशंस को, टाइमिंग्स को जो है अपने हिसाब से सेट कर सकता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत लिबरल होता है क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज मिनिमम होती हैं, तो उदार जो है सरकारी सहयोग रहता है,
प्रोपराइटर का फुल कंट्रोल होता है, पूरी तरह से एक व्यक्ति के ही पूरे नियंत्रण में होता है। और एक लास्ट एग्जांपल है इनडायरेक्ट सपोर्ट फॉर फैमिली एम्प्लॉयमेंट। जो प्रोपराइटर या ऑनर है उसके परिवार के किसी सदस्य के एम्प्लॉयमेंट के लिए एक तरह का इनडायरेक्ट सपोर्ट रहता है, यानी कि अगर उसको कहीं और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है तो वो अपने इस बिजनेस के लिए इसमें एम्प्लॉयमेंट की संभावना तलाश सकता है। तो ये इसके कुछ मेरिट्स एडवांटेजेस थे। कुछ लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्योंकि एक ही लिमिटेड जो है पर्सन है, ऑनर है, तो ज़्यादा जो है कैपिटल नहीं होगी, तो रिसोर्सेज भी लिमिटेड रहेंगे। बिजनेस की लाइफ भी लिमिटेड ही होगी, वो एक ऑनर पर डिपेंड करेगी। ऑनर की डेथ, ऑनर का इनसैनिटी के केस में, इम्प्रिजनमेंट के केस में, फिजिकल एलिमेंट के केस में, बैंकरप्सी के केस में, जो बिजनेस कंसर्न है वो थोड़ा जो है बंद होने की स्थिति में हो सकता है, इसलिए इसकी लाइफ लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड यानी असीमित देनदारियां अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑनर की होती है, क्योंकि ऑनर ही जो है सारी चीज़ों को सिंगल इंडिविजुअल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सारी जो लाइबिलिटी को जो है चुकाने के लिए। तो क्रेडिटर्स जो हैं, जो उधार देने वाले हैं, यदि बिजनेस फेल हो जाए तो उस केस में वो न केवल उसके बिजनेस एसेट्स से रिकवरी करेंगे बल्कि उसकी पर्सनल एसेट्स से भी रिकवरी करेंगे। तो ये इसके एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट लिमिटेशन है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। एक ही पर्सन के अंदर बहुत सारी जो इसमें मैनेजमेंट के टास्क हैं उसकी जो एबिलिटी है वो संभावना है कि थोड़ा इतना जो है ना हो। जैसे परचेजिंग एबिलिटी, सेलिंग एबिलिटी, फाइनेंसिंग एबिलिटी, और भी बहुत तरह की जो एबिलिटीज हैं वो स्किल्स हैं, मैनेजरियल स्किल्स, वो एक ही पर्सन में चांसेस कम है कि, तो इस कारण जो है एक टैलेंटेड और एम्बिशियस जो एम्प्लॉय के जो बेनिफिट्स हैं वो इस बिजनेस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, इस टाइप के जो ओनरशिप में जो है वो संभव नहीं है। ऑनर स्ट्रेस्ड होता है, मालिक जो है प्रोपराइटर जो है वो थोड़ा तनाव युक्त रहता है हमेशा। तो ये उसका एक डिसाइड, उसको कि सारा एक ही व्यक्ति को संभालना है, उसी को ही चलाना है, उसी को ही लाभ हानि जो है वो बियर करना है, तो इसलिए जो है उस हमेशा जो है वो ऑनर स्ट्रेस्ड रहता है। तो इतने सारे इसकी ये डिसएडवांटेज होते हुए भी, शॉर्टकमिंग्स होते हुए भी, ज़्यादातर एंटरप्रेनर्स या उद्यमी जो है फिर भी इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को जो है ऑप्ट करते हैं, क्योंकि इसके जो कुछ अपन हमने जो फ़ायदे बेनिफिट्स डिस्कस किए थे उनके कारण जो है इसको जो है ऑप्ट करते हैं। और क्योंकि इसमें लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल है और छोटे जो बिजनेस हैं, छोटी इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर ये बेस्ट सूटेबल है। तो